अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक ऐसे अरेबिक होटल में मौजूद हूँ जिसको बैतुल मंदी का नाम दिया गया है। हम यहाँ पर अपनी टीम के साथ खाना खाने आए तो इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी अरेबिक खानों की कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यकीन कीजिए आपके मुंह में भी जो है वो पानी आएगा। आप ये देख सकते हैं, ये बड़ी जबरदस्त एक चीज है जिसको हुम्मस कहा जाता है, जो कि चनों को पीस कर उसके पेस्ट से बनाई जाती है और उसके ऊपर जैतून के तेल की टॉपिंग करके इस हुम्मस के साथ पेश किया जाता है, जो कि एक रोटी है। इसके जो शेफ हैं वो सऊदी शेफ हैं जिनका ताल्लुक मक्का मुकरमा से है। इसके साथ साथ इन्होंने दो शेफ और रखे हैं जिनका ताल्लुक यमन और मदीना शरीफ से है। ये तमाम के तमाम शेफ इस मजेदार किस्म का जो हुम्मस है इसको बनाते हैं, जबकि आप ये दूसरी तरफ देख सकते हैं, इसको बोला जाता है मुतब्बल, जो बैंगन का हलवा या उसका पेस्ट बनाया जाता है जिसके ऊपर जैतून के तेल की टॉपिंग की जाती है और उसको भी इस खुबस के साथ खाते हैं। जबकि ये जो आप तीसरी चीज देख रहे हैं इसको बाबा गुनाश कहते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है बैंगन के पेस्ट से हलवे की सूरत में, जिसके ऊपर अनार के सुर्ख दाने नजर आ रहे हैं और काले जैतून के साथ इसको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंट किस्म की सॉसेस ऐड की जाती हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को मुदब्बल से जुदा करता है। और आपको ये जो मैं बड़ी जबरदस्त तिलों वाली एक चीज खिलाने जा रहा हूँ, बल्कि आपको खिलाऊंगा नहीं, आप तो देखेंगे मैं खाऊंगा, आप यहाँ पर विजिट करके इसको खा सकते हैं। इंतहाई खस्ता, मैं अगर इसकी आपको रेसिपी बताऊं तो जो अरबी नस्ल के रेस के घोड़े होते हैं उन घोड़ों को ये वाले जो चने होते हैं बड़े नस्ली किस्म के आला नस्ल के, उसके पेस्ट से एक टिक्की बनाई जाती है जिसको इस खूबसूरत प्लेट में इस तरह की टॉपिंग के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मजीद मटन, चिकन और फिश की मंदियां नजर आएंगी, वो भी हम आपके सामने आएंगे और आपको दिखाएंगे और आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनके नंबर्स भी देख सकते हैं, एड्रेस भी देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मैं गुलबर्ग ग्रीन्स की जो बैतुल मंदी यमटो के प्लेटफॉर्म से जो बनाई गई है और असल है। यहाँ पर आकर आप उन तमाम खानों से महसूस हो सकते हैं जो दुबई, रियाद, सऊदी अरब, गल्फ और अरब ममालिक में आप लोग खाते हैं। मैं बात कर रहा था मटन, चिकन और फिश की मंदी की। आप इनका बारबेक्यू प्लेटर भी ले सकते हैं, वो चाहे फिश में ले लें, मटन में ले लें, चिकन में ले लें। वो आपको स्टीम्ड चिकन बोटी, ग्रिल बोटी और इसके साथ साथ मलाई बोटी और स्टीम्ड आपको मटन भी सर्व किया जाता है जिसको लहम बोलते हैं। इसी तरीके से चिकन जिसको दजाज बोलते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे मजबी भी मिल सकती है। मजबी और मंदी में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि मजबी जो है वो ग्रिल होती है जबकि जो मंदी है वो स्टीम्ड बनती है। और इस वक्त जो आप मेरे आगे ये सैलड देख रहे हैं बड़ी सेहत अफजा है, ये भी अरेबिक सैलड है। वो जो एक सुर्ख मूली होती है उसको काट कर मुख्तलिफ किस्म की पापड़ियां, जैतून, सॉसेस, खीरे, टमाटर, सैलड्स के पत्तों को डाल के इसको बनाया जाता है और इतनी जबरदस्त मजा दे रही है कि अगर आप इसको किसी भी मंदी के साथ, किसी भी चावलों के साथ, किसी भी खाने के साथ खाएंगे तो यू विल लव इट। अगर मैं इनके मेन्यू में आपको स्वीट डिशेस की या डेजर्ट्स की बात बताऊं तो इंतहाई जबरदस्त इनके पास कुनाफा होता है, जो कि सेवैया, शीरा और जो चीज होती है उसको मिक्स करके बनाया जाता है जिसके ऊपर क्रीम की टॉपिंग की जाती है। और ये जो इस वक्त आप मंदी देख रहे हैं ये चिकन मंदी है जिसमें आपको सीख कबाब नजर आ रहे हैं, आपको चिकन बोटी, मलाई बोटी नजर आ रही है, बड़े बड़े कटे हुए खूबसूरत शेप के प्याज और बीच में आपको एक पूरा चिकन पीस उसको जैतून की टॉपिंग के साथ प्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप बैतुल मंदी जो कि यमटो के प्लेटफॉर्म से बनाई गई है यहाँ पर आए, एक बड़े जबरदस्त किस्म का आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो अरेबिक सुनने को मिलता है और आपको खुशबुएं ऊद और बखूर की आती है। और इसके साथ साथ ये जो एक और थाल यहाँ पर आया है इसको मटन मंदी कहा जाता है, जो कि स्टीम्ड भी होती है, आप इसको ग्रिल फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। और ये इतना जबरदस्त प्लेटर है जिसमें आप फिश का प्लेटर भी ले सकते हैं, चिकन, मटन, फिश, इन तीनों का प्लेटर भी मिक्स करके ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इनके मजीद मीठे की बात करूं तो इसमें आपको बसबूसा, जो कि सूजी और शीरे को मिक्स करके, कोकोनट पाउडर को मिक्स करके बनाया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है, वो भी आप महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा उम्मे अली, जो कि गर्म दूध जब कड़ जाता है, पीला हो जाता है, उसमें थोड़ी सी ऐसी देसी घी की रंगत आ जाती है तो उसके अंदर सुर्ख बाकर खानी जो कि बड़ी क्रिस्पी फॉर्म में होती है उसको दूध के अंदर डाला जाता है और पिस्ता, बादाम, इसका पेस्ट मिक्स करके प्रेजेंटेशन टॉपिंग की सूरत में करके आपको पेश की जाती है। ये है वो डेजर्ट उम्मे अली जो कि ठंडा होता है। मेरा दिल कर रहा है कि आप सब लोग यहाँ पर आएं। वल्ला अहलम वसहलम मरहबा, आपने इतना जबरदस्त रेस्टोरेंट यहाँ पर खोला है, और कहाँ कहाँ पर आपकी ये ब्रांचेस हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी इस वक्त चार ब्रांचेस हैं। यमटो ने पहले ब्रांच खोली थी PWD में फर्स्ट, उसके बाद बहरिया टाउन में,
ये गुलबर्ग में थर्ड गीगा मॉल के अंदर ओपनिंग होने जा रही है। ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? एग्जैक्टिव ब्लॉक गुलबर्ग ग्रीन सिविक सेंटर के अंदर ब्रांच है हमारी। जनाब आप ये सिटिंग एरिया भी देख सकते हैं जिसको मजलिस का नाम दिया जाता है, जिसको पंजाबी में कहते हैं। आप चौकड़ी मार के जरा रिलैक्स होकर खुले डुले होकर खाना खाते हैं। ये बड़ा एक देसी सा माहौल है और अगर कुछ इंग्लिश फैमिलीज हैं तो उनके लिए बड़ा वेस्टर्न किस्म का भी यहाँ पर एनवायरनमेंट बनाया गया। और ये पर्दों की जो आप ढलाने देख रहे हैं, फिर इसके अंदर जो एक खुशबू देख रहे हैं ऊद की, बखूर की, आपको फील देता है कि आप किसी दुबई के रेस्टोरेंट में आ गए, किसी सऊदी अरब के रेस्टोरेंट में आ गए। और ये ठंडी पहाड़ियों के गिर्द घिरा हुआ ये जो इलाका है, ये खाने को चार चांद लगा देता है। जब भी आप यहाँ पर आए जरूर विजिट करें। लोकेशन और एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनकी बाकी जो तीन ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी इन्होंने बताया। ये वो सऊदी शेफ हैं जिनका ताल्लुक मक्का मुकरमा से है। ये ट्रांसलेटर हैं जो अरबी और उर्दू को समझते हैं और हमारे दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करेंगे। इनसे पूछिएगा ये अब तक पाकिस्तान में कितने किस्म के ये खाने खिलाकर अरबिक लोगों को अपना गर्विदा कर चुके हैं। यानी कम इंतसवत टाइम दहन अलन दहन फिल पाकिस्तान कम अनवा इंतसवत टाइम यानी कम नवा यानी फिल कम المطعم انت ايوه يبغى اسال منك كده وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دحين عندنا 8 جوة القائمه موجود كلها مكتب حقك كمان بس 8 دحين سويته الحمد لله فوق 8 كمان موجود بس في باكستان سويت زياده 8 اللي معروف يعني आपने इनसे क्या पूछा और ये क्या कह रहे हैं? हमने इनसे पूछा कि आपने अभी तक कितने डिशेस बना चुके हैं अभी पाकिस्तान में, तो ये कह रहे हैं अभी तक हमने 8 डिशेस बना चुके हैं। ये स्वीट में इन्होंने बड़े जबरदस्त ये कुनाफा बनाए हुए हैं, मेली बनाया हुआ है, बसबूसा जो कि सूजी के और कोकोनट पाउडर को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये रेसिपी मैंने दुबई में भी खाई है, सऊदी अरब में भी खाई है। एक्सपीरियंस कितना है इनका इस फील्ड में? अफगानिस्तान में नक यानी कम इंत मुअल्लिम हगादा यानी इंत सवेत हम कमान अकल फिर दुबई फिर हिनाक محلات ثانية في السعودية كمان بس هو يسأل يعني أنا كم أكلت هناك كمان طيب بس نفسه يقرب كثير منهم يعني كيف أنت سويت كذا عشان أنا أشتغل هناك كمان وعندي كمان خبرة حق الحمد لله 6 سنوات كمان ये कह रहे हैं कि उधर वो एक काम कर सीख रहे थे, मतलब इनको 6 साल से ऊपर का टाइम हो गया ये मतलब चीजें सीख से गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत जबरदस्त शेफ हैं और ये जितने सीजन हैं वो सर चढ़कर बोल भी रहा है। क्रेडिट आपको ज्यादा कितना अर्सा रहे हैं आप दुबई में या गल्फ में? मेरी पैदाइश सऊदीया की है, उसके बाद 10 साल मैं दुबई में रहा हूँ। जब मैं यहाँ वापस आया 2018 में, देखा मैंने यहाँ की एक अरबिक फूड की यहाँ इस्लामाबाद में कमी थी, अच्छा क्वालिटी फूड का टेस्ट वो चीज नहीं थी। फिर मैंने सऊदीया के शेफ लेके आया, सऊदीया का शेफ है, दुबई का शेफ है, यमन का शेफ है, यहाँ आके फिर हम लोग वही सेम टेस्ट सेम चीज चीज मंदी के अंदर स्वीडिश के अंदर मैं तक अच्छी क्वालिटी सेम टेस्ट देने की ट्राई की है। इनकी 4 ब्रांचेस हैं और उनके एड्रेस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये गुलबर्ग ग्रीन्स में वाक़ है और आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी शख्स हमारे रेफरेंस से, डेली पाकिस्तान के रेफरेंस से, यासर शामी साहब के रेफरेंस से आएगा तो 15% ये उनको डिस्काउंट देंगे। इन मंदी के चावलों को मुख्तलिफ किस्म का जो आपके सामने ये बारबेक्यू प्लेटर नजर आ रहे हैं जिसमें फिश का भी है, मटन का भी है, चिकन का भी है, इनको आप ये टमाटर वाली सॉसेस जिसको दकूश सॉस बोला जाता है जो खालिस टमाटरों की चटनी होती है, और ये मिंट वाली चटनी इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक इनकी कॉम्प्लीमेंट्री है। आप यहाँ पर आते हैं तो इनकी तरफ से आपको मटन की यखनी गर्मा गर्म जो इंतहाई ताकतवर होती है हड्डियों के लिए वो भी पिलाई जाती है, और सर्दी के इस खुनकी वाले मौसम में आप इससे महसूस हुए बगैर नहीं रह सकते। ये जो अरबिक डिशेस हैं इनको खाइए, महजूज होइए, अपनी फैमिलीज के साथ खाइए और बड़ा खुला डुला माहौल है, खुशबुएं इंजॉय करें और आपको महसूस होगा कि आप किसी गल्फ के या अरब ममालिक के किसी भी ऐसे होटल में दाखिल हो चुके हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अरबी ही अरबी हैं। यल्ला यल्ला या हबीबी अहलम वसहलम मरहबा अंतमा की यासर शामी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।